माज अशरफ अशरफ जिलानी कच्चा अच्छा मुकद्दस साहब बन अफसे नफीस मेंबर नूर पे हैं। और सच्ची बात सुनिए, आज घर की बात घर वाले से सुनिए, नाना की बात नमाज से थे, बाप के बाप बेटे से सुनिए, आज नाना हुसैन की गुफ्तगू आज नमाज से सुनिए। आज वो महफिल पर रंग आएगा, मजा तो ये है कि घर की बात घर वाला सबसे अच्छा बताता है, घर की बात घर वाला सबसे अच्छा बताता है। मैं अपने घर की बात सबसे अच्छी बताऊंगा, आप अपने घर की बात सबसे अच्छी बताओगे। आज तो हुसैन के घर का बेटा सामने है, अली के घर का शहजादा सामने है, मखदूमे पाक का शहजादा सामने है, अभी इससे अच्छा मौका और क्या हाथ आएगा। एक शेर सुनाता हूं, शेर सुनिए, अच्छा लगेगा तो क्या बोलोगे आप, सुनिए पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। मखदूम भैया आप शेर कह रहे थे यार, घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई इनसे निपट लूं उसके बाद आपसे निपटता हूं, लेकिन ये घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है। मैं इनके लिए एक शेर सुनाता हूं, पढ़े, खुद को मनमाने का मुझको हुनर आता है। ये मैं नहीं कहता, मखदूम भाई कह रहे हैं, जबान मेरी है, तर्जमान मुझे कर रहा हूं, खुद को मनवाने का ये मुझको हुनर आता है, मैं तो कतरा हूं समुंदर मेरे घर आता है, मैं तो कतरा हूं समुंदर मेरे घर आता है, मैं तो कतरा हूं समुंदर मेरे घर आता है। ये मखदूम की मखदूम ग्रामी हमारे बड़े भाई मखदूम अरशद की जात है यार, ये बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर, इतना अच्छा काफिया लाया मुहावरा के, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब शेर सुनाता हूँ हमारे मैं बहुत मोहसिन मेरे करम फरमा जनाब असद इकबाल, दूर से बहुत अच्छा करे, शेर सुनाता हूँ सुनिए। सरे अर्श मौला नूर की जंजीर बनती है, फिर बात तक पड़ेगी, सरे अर्श मौला नूर की जंजीर बनती है, सरे अर्श मौला नूर की जंजीर बनती है, नबी के गेतवे हमदार की तस्वीर बनती है, सरे अर्श मौला नूर की जंजीर बनती है, नबी के गेतवे हमदार तस्वीर बनती है, नबी के गेट में हमदार की तस्वीर बनती है, उसे ईमान की तकमील का मयार कहते हैं, उसे ईमान की तकमील का मयार कहते हैं, जमीन करबला जब इश्क की तफसीर बनती है, जमीन करबला जब इश्क की तफसीर बनती है। अरे नहीं समझ में आया यार, तो सब भारी हो गया ना, बहुत भारी हो गया, ओवर हो गया ना, अच्छा चलिए एक आसान शेर सुनाते हैं। अच्छा मेरी मेरे दामन में कोई आसान शेर है नहीं, असद भाई मखदूम भाई दुआ दे देंगे, असद साहब आपके कदमों की धूल को चेहरे का गाता बनाता हूं, और ये शेर आपके हवाले करता हूँ, पढ़े, अरे बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह, देखिए बात नहीं बनेगी, इधर वाले बिल्कुल खामोशी से काम करेंगे। किसे आसान लहजे में शेर सुनाता हूँ, मखदूम भाई कह रहे बहुत भारी हो रहा, हल्का कर दें, ये भारी सुना है, अच्छा ये कह रहे इधर भारी इधर मीडियम, मैं सब सुनाऊंगा बस आप रहोगे तब। क्या कहने यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था आपके कहने से सुभान अल्लाह यार, मैं तो किसी के बाप के जलसे में नहीं हूँ, मैं तो हुसैन पाक के जलसे में हूँ यार, इसीलिए कहता हूँ कि उनकी याद आई है सासो जरा इसका चलो, अरे बोलो यार बोलो, उनकी याद आई है सासो जरा इसका चलो, धड़कनों इबादत में भी खलल पड़ता है, नहीं समझ में आ रहा यार, अरे बोलिए ना, अच्छा शेर सुनिए, वक्त का गाजी है, सैयद साहब की बात दुआ देते, वक्त का गाजी है, अहदे नौ का आलमगीर है,
یہ بھی بھاری ہوگا. وہ وقت کا قاضی ہے, عہد نو کا عالمگیر ہے, جس کے ہاتھوں میں بھی ہے تیری شمشیر ہے. وقت کا قاضی ہے, عہد نو کا عالمگیر ہے, جس کے ہاتھوں میں بھی ہے تیری شمشیر ہے. اب پاؤں میں ہے بیڑیا, ہاتھ میں زنجیر ہے. پاؤں میں ہے بیڑیا اور ہاتھ میں زنجیر ہے. میں غلام پنجتن ہوں, کیا میری تقدیر ہے؟ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین کانفرنس, کیا حسین, کیا حسین, کیا حسین, کیا حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وقت ہے غازی, عہد نو کا عالمگیر ہے, جس کے ہاتھوں میں بھی ہے دری شمشیر ہے. اب پاؤں میں ہے بیڑیاں اور ہاتھ میں زنجیر ہے. میں غلام پنجتن ہوں, کیا میری تقدیر ہے؟ میں غلام پنجتن ہوں, کیا میری تقدیر ہے؟ بھائی باری باری شعر ہے, میں نے مکمل تیاری کر لی ہے محرم کی. اگر آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ ضیاء الاسلام میں پڑھیے, اردو سمجھ نہ آ جائے گا. پورا مجمع محبت سے بولو سبحان اللہ.